18 नवंबर 2022 को कपकोट के सिरी गांव में भीषण आग से हिम्मत सिंह का मकान जलकर राख हो गया। आज सीसीएन न्यूज कपकोट से 24 किलोमीटर दूर उनके परिवार का हालचाल जानने तथा घटनास्थल का जायजा लेने गया। बताते चले कि हिम्मत सिंह की मदद को आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह भी पहुँचे। सीसीएन न्यूज के लिए तनुज तिरुवा की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं तनुज और आज हम लोग आए हैं सीरी, जो कि कुछ दिनों पहले ही यहां पर एक शॉर्ट सर्किट होने से एक मकान में काफ़ी भीषण आग लग गई थी। और आज हम लोग आए हैं जीरो ग्राउंड पे। आप दिखाना चाहेंगे कि एक कैमरामैन से कहेंगे देखिए एक मकान देखिए किस प्रकार से इसमें आग लगी हुई है। ये पूरा एक कमरे का हॉल है और ये कमरे का देखिए अनाज देखिए आपको अनाज दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए अनाज किस प्रकार से चल के भस्म हुआ है। ये देखिए जिसमें कि गेहूँ है, मक्का है, जौ है और भट है। और ये देखिए आप देख सकते हैं पंखा, देखिए ये फैन, तो किस प्रकार से भीषण आग लगी होगी आप आकलन लगा सकते हैं। और ये घर का एक बाहर का हिस्सा है, देखिए कितना बड़ा आग यहाँ पर लगा हुआ था। और जो कि शासन प्रशासन भी यहाँ पर आया हुआ था। और देखिए आप ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और जो कि हमें यहाँ आने में भी काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन जो कि हम आपको जीरो ग्राउंड पर ले चले हैं। और हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, मैं ग्राम प्रधान से जानना चाहूँगी कि आखिर क्या हुआ था उस दिन की घटना। प्रधान जी, सर ये घटना है दिनांक 18 तारीख की घटना है, ये करीब 10:30 बजे की बात है। ये घर पे सारे बच्चे, दो बच्चे इनके जो है स्कूल पर गए हुए थे और एक बच्चा जो है अंदर था, ये खुद काम के लिए कहीं इधर उधर गए हुए थे। पता नहीं शॉर्ट सर्किट के कारण ही जो है यहाँ पर आग लगी हुई है। और जब लोगों को, पड़ोस के लोगों को मालूम चला कि जो है यहाँ पर आग लगी हुई है, सब लोग आए, उन्होंने जो है बुझाने का पूरा प्रयास किया। अधिक से अधिक संख्या में लोग आके यहाँ पर, और फायर की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया। इस कारण से जो है मकान बच गया, मतलब थोड़ा कुछ। मैं पूछना चाहूँगा कि कितना अभी आप देखेंगे तो कितना नुकसान हुआ होगा, कितना आकलन लगा सर? नुकसान तो आप देखिए पूरा मकान ही ध्वस्त हो चुका है, राशन से लेके कपड़ा, इनके पास खाली पहनने के लिए कपड़े हैं बस, हो गया। जो उनने कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े बचे हुए हैं, बाकी सारा सामान जो है स्वाहा हो गया इनका। पता नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि प्रशासन की ओर से कितना सहयोग मिला? प्रशासन सर, कल तहसीलदार, नए तहसीलदार साहब पटवारी जी आए थे कल, वो रिपोर्ट बना के गए हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं उसमें। दूसरी चीज, उनने थोड़े कंबल, बर्तन वगैरह कुछ राशन यहाँ पर मुहैया कराया था। और ये है मकान के स्वामी हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हिम्मत सिंह जी हैं, तो क्या हुआ था उस दिन और बताएंगे आप? मैं समझ गया था, अब मेरा थोड़ा तबीयत खराब हुई थी, मैंने वाले से बोला कि बच्चे घर में मत रखना, मेरे घर में करना, अपने साथ ले जाना। बोला था इसने, मानी नहीं। तो मैं शामा पहुंचा था, फिर वहाँ शामा से अस्पताल गया था, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। फिर वहाँ बोला कि तेरे घर में आग लग गया, तो कहाँ है? बोला कि लोगों ने यहाँ। अच्छा, मैं पूछा अपने बच्चे कितने हैं? तीन बच्चे हैं। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, ये घर में ठहरा, ये बड़ा वाला देखे है। आग लगने की क्या 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 कारण है आग लगने का? क्या पता मेरे को, इसने कुछ कर रहा होगा कुछ, ने क्या पता। कितना नुकसान हुआ आपका है, बता सकते हैं? ये अनाज जितना था सब, अनाज कपड़े हपड़े सब जितना था, सब सामान सब सुहा हो गया। 18 तारीख की सुबह 10:30 बजे की घटना है। एक दुखद कष्टकारी जो घटना है, ये आगजनी जो यहाँ पर को हुई है। एक गरीब परिवार, हिम्मत सिंह जी के परिवार का जो भी लेखा जोखा, जो बर्तन जेवर जितने थे, वो सब पूरे आग शॉर्ट सर्किट के वजह से स्वाहा हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। शासन की तरफ से हम रुके हुए थे कि शासन की तरफ से क्या मदद मिल पाती है। एक फौरिक राहत के तौर पर कुछ बर्तन और 20-20 किलो आटा, 20 किलो चावल शासन की तरफ से दिया है। आपदा मद में लेने की बात उपजिलाधिकारी से और तहसीलदार उनसे हुई थी कि आप इसको जो है दैवीय आपदा के मानकों में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से इसकी वो हुआ है, तो देखें क्या सरकार की तरफ से क्या मदद मिल पाती है। इस क्षेत्र की जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य आदरणीय वंदना ऐठानी जी, और स्वयं क्योंकि मैं पूर्व में भी यहां से जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं, नगर पंचायत कपकोट के सम्मानित अध्यक्ष गोविंद बी जी, हम लोगों की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए तिनकी चादरों की व्यवस्था करी है। और धीरे धीरे कैसे इनके परिवार को ढांचा जो है अपने ढर्रे पे, रोजमर्रा के ढर्रे पे आए, यहाँ के प्रधान जी, उप प्रधान जी सहित सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से, यहाँ के क्षेत्र पंचायत के सम्मानित साथी की तरफ से, लगभग सब लोगों ने अपनी
तरफ से जितना जो मदद हो सकती है उस पीड़ित परिवार को करने का काम कर रहे हैं, और भविष्य में भी इनके परिवार के लिए जो भी, क्योंकि एक बच्चा इनका मानसिक रूप से विकलांग है और दो तीन बच्चे हैं तो एक मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ, क्योंकि इनका BPL क्रमांक भी नहीं है, और यदि अगर श्रम कार्ड का अगर इनका कोई अगर संसाधन अगर श्रम कार्ड के माध्यम से बनाया जा सकता है, जो बना है इनका श्रम कार्ड, अगर उसमें कुछ मदद अगर सरकार की तरफ से होती तो उस श्रम कार्ड को भी हम लोग देखेंगे, उसका परीक्षण कर जिला श्रम अधिकारी से इस बारे में बात कर इनको कुछ ना कुछ राहत दिलाने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिससे जितना बन पड़ रहा है लोगों से, पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी अपनी तरफ से मदद करी है, मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी इस गरीब परिवार के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके छोटे बच्चों का भरण पोषण के साथ साथ उनकी आजीविका को भी ढर्रे में लाने का काम हम लोग आज हम सब लोग पूर्व जिला पंचायत ग्राम पंचायत सिरी में पहुंचे हैं। विगत 18 तारीख को एक आगजनी की घटना बड़े भाई हिम्मत सिंह जी के साथ हुई है। निश्चित रूप से गरीब परिवार है, हिम्मत दा के 3 बच्चे हैं जिसमें भी एक छोटा बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वास्तव में आज इस परिवार को सब लोगों से सहायता की जरूरत है। मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी बन पाता है प्रशासन से, दो मंजिला मकान उस बेचारे के पास ना खाने को राशन बचा, ना पहनने को कपड़े बचे, जो उस आदमी ने उस दिन कपड़े पहने थे वही उसके पास बचे। इसलिए मैं अपने जनप्रतिनिधियों से माननीय विधायक जी से भी अपील करूँगा और जिला प्रशासन से भी अपील करूँगा कि वास्तव में इस दुखदायी घटना में जितना भी जिस आदमी से बन पाएगा, जितना भी प्रशासन से बन पाए, सब लोगों से यही अपेक्षा है कि हिम्मत सिंह जी को कहीं ना कहीं इन कष्टों से उबरने के लिए हम सब